B-1 लैंसर लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भारत की आसमान में जब उड़ान भरता देखा तो लोग उसे देखते ही रह गए। जब उसने एरो इंडिया 2021 में उड़ान भरी तो उसके स्वागत के लिए कहिए या फिर सलामी में, भारत ने अपने खुद के बनाए तेजस के साथ उसकी उड़ान तय की। आसमान में उड़ते इस बॉम्बर विमान को जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। लोग इस विमान को लेकर कई तरह के कयास भी लगा रहे थे, लेकिन इस विमान को यूएस ने भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार के कारण इस कार्यक्रम की शोभा को और बढ़ाने के लिए भेजा था। अब जरा इस विमान की खूबी जान लीजिए। B-1B लैंसर विमान कुल 2,16,000 किलो से भी ज्यादा का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। इसमें से 46,000 किलो से ज्यादा वजन के बम और मिसाइल हो सकते हैं। ये विमान 34,000 किलो वजन का विस्फोटक विमान के अंदर और 22,000 किलो से ज्यादा पंखों पर लगाकर उड़ सकता है। साथ ही 1,20,000 किलो ईंधन भी ये साथ लेकर उड़ान भर सकता है। इतना भारी भरकम होने के बावजूद ये विमान सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। 4 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजनों की मदद से 30,000 पाउंड से ज्यादा के थ्रस्ट के साथ मैक 1.6 की रफ्तार तक ये जा सकता है। अब तक 12,000 से भी ज्यादा उड़ानें भरकर ये सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और इराक में अपने मिशन को अंजाम देते हुए तबाही मचा चुका है। ये विमान 30,000 फीट यानी 9,000 की मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरता है और 4 लोगों का क्रू इसको ऑपरेट करता है। अमेरिका के पास इस तरह के कुल 66 विमान बताए जाते हैं और ये उन कुछ वजहों में से एक है जो यूएस को सुपर पावर बना देती है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास इस तरह की कोई विमान तो नहीं है, लेकिन वक्त वक्त पर रूस और अमेरिका से बॉम्बर खरीदने को लेकर विश्लेषण और अटकलें सामने आती रही हैं। B-1B लैंसर व्यापक रूप से अमेरिका की लंबी दूरी की बम वर्षक सेना की रीढ़ माना जाता है। मूल रूप से B-52 बॉम्बर की जगह लेने के लिए इसे विकसित किया गया। ये विमान अपनी तेज रफ्तार, ऊंचाई पर उड़ने और भारी संख्या में बम और मिसाइल ले जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।